आजम खान ने अखिलेश यादव की बोलती की बंद। आजम का अखिलेश को जवाब, हमारे लिए रामपुर वालों की जान बेहद खास। आजम के सामने रामपुर की जनता को बता रहे थे कमजोर। आजम के पलटवार पर अखिलेश ने साध ली चुप्पी। आखिर क्यों रामपुर के लोगों पर सवाल उठा रहे थे अखिलेश? अखिलेश यादव और आजम खान लंबे समय बाद एक ही कार्यक्रम में दिखाई दिए। अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इशारों में रामपुर की जनता को मैनपुरी के लोगों के आगे कमजोर बता रहे थे। कह रहे थे जो काम मैनपुरी की जनता ने कर दिया रामपुर वाले उसे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, डर के मारे घर में बैठे रह गए, जबकि मैनपुरी के लोग डरते नहीं हैं, उठकर मुकाबला करते हैं। ये सब बातें अखिलेश यादव जब कह रहे थे तो आजम खान उनके बराबर से ही बैठे हुए थे, लेकिन जब आजम ने अखिलेश की बात का जवाब दिया तो तुरंत ही अखिलेश ने पत्रकार वार्ता ही समाप्त कर दी। दरअसल अखिलेश यादव एक निजी समारोह में मुरादाबाद पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में आजम खान को भी बुलाया गया था। दोनों नेता जब कार्यक्रम में आए तो मीडिया के लोग भी पहुंच गए। अखिलेश से सवाल जवाब शुरू हो गए और अखिलेश यादव सभी सवालों का जवाब देने लगे। आजम अखिलेश के साथ ही खड़े थे लेकिन खामोश थे। तभी अचानक अखिलेश यादव ने कहना शुरू किया, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हुआ, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लोगों को डराया गया, लेकिन मैनपुरी के लोगों ने तय कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी की सरकार गोली चलवा दे, जान चली जाए, लेकिन वो वोट डालने जरूर जाएंगे। सभी ने देखा कि जितना वोट लोकसभा चुनाव में डला था उतना ही उपचुनाव में भी डला, जबकि उपचुनाव में आमतौर पर कम ही मतदान होता है, लेकिन मैनपुरी वालों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। वो प्रशासन और सरकार के दबाव के आगे नहीं झुके। अगर इसी तरह रामपुर के लोग भी तय कर लेते कि चाहे जान चली जाएगी तो भी हम अपना वोट डालने जरूर जाएंगे, लोकतंत्र को बचाने जाएंगे, तो यहाँ का परिणाम ही कुछ और होगा। अखिलेश ने आजम खान के सामने ही कह दिया कि रामपुर की जनता मैनपुरी की जनता जैसी हिम्मत नहीं दिखा पाई। सरकार से लड़ने का जो हौसला मैनपुरी वालों के पास है वो रामपुर वालों के पास नहीं है। अगर हौसला दिखाया होता तो चुनाव परिणाम कुछ और आया होता। अखिलेश मैनपुरी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे लेकिन आजम खान बीच में बोल पड़े। उन्होंने अखिलेश को बोलने से रोक दिया और कहा कि रामपुर और मैनपुरी में बहुत बड़ा अंतर है। मैनपुरी में सिर्फ दबाव बनाया जा रहा था, डराया जा रहा था। गोली चलाने की हिम्मत की बात अगर मैनपुरी के लिए कही जा रही है तो प्रशासन मैनपुरी में गोली नहीं चलाता। मैनपुरी में गोली चलाने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी, ये बात सभी को पता थी, इसलिए मैनपुरी के लोगों ने वोट डाला। लेकिन रामपुर के पुलिस को खुली छूट मिली हुई थी, यहाँ हालात मैनपुरी वाले नहीं थे। अगर जनता वोट डालने जाती तो गोली भी चल जाती, फिर कितने लोगों की जान जाती गिनती मुश्किल हो जाती, और इसके बाद भी शायद परिणाम वही आते जो अभी आए हैं। आजम ने साफ कर दिया कि जीत के साथ ही अपने लोगों की हिफाजत करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। चुनाव तो 2024 में भी आएगा, 2024 में हिसाब बराबर कर दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों की जान चली जाती तो उसका हिसाब कहां से दे पाते। आजम ने कहा कि हमने जीत से ज्यादा अपने लोगों को बचाने पर ध्यान दिया क्योंकि जान हमारे लोगों की ही जानी थी। आजम खान जब बोल रहे थे तो अखिलेश यादव असहज दिख रहे थे क्योंकि आजम जो बोल रहे थे उसमें उनका दुख भी दिख रहा था। ये दुख उपचुनाव में सपा की ओर से मिले उस सहयोग को लेकर था जो पूरी तरह से नहीं मिला। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में तो पूरी ताकत लगा दी लेकिन रामपुर में कुछ घंटे के लिए ही प्रचार किया, और इस दौरान भी उन्होंने खुद महसूस किया था कि रामपुर के हालात क्या हैं। ऐसे में जब आजम खान ने अखिलेश यादव की बात काट कर अपनी बात रखी तो उसके बाद अखिलेश ने भी चुप्पी साध ली और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त कर दी।